रानीपुर में, और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक छोटी सी एक जनसभा का आयोजन किया गया है। और ये जो जनसभा है, ये इसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। ये उपलक्ष्य है कि जो हमारे रवा राजपूत समाज के जो बच्चे टेंथ और इंटर में 75% से ऊपर नंबर लाए हुए हैं, ये मेधावी छात्रों में आते हैं, और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए हर वर्ष जो रवा राजपूत सभा बिजनौर है वो इन्हें पुरस्कृत करती है। और पहले ये जो पुरस्कार वितरण हुआ करता था, ये बहुत बड़े स्तर पे होता था, एक ही जगह हर गांव के बच्चों को एकत्रित किया जाता था, जिसमें काफ़ी सारी गैदरिंग हो जाती थी। लेकिन अब की बार इस मेथड को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, पुरस्कृत किया गया, और बच्चों में खासा उत्साह है, उनके अभिभावक भी यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। यहाँ ना सिर्फ बच्चों ने आज अपने विचार रखे कि वो आगे जाकर क्या करना चाहते, बल्कि उनके जो माता पिता हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपने विचार रखे कि वो और क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं कि रवा राजपूत सभा उनके बच्चों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए करेगी। ते हैं अखिल भारतीय रवा राजपूत एकता सेवा एवं समिति के महासचिव शेखर जी से, गांव-गांव जाकर क्यों आखिर ये कार्यक्रम किया जा रहा है? पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फंक्शन होता था, बहुत बड़ा होता था, 1000 से 2000 व्यक्ति वहाँ उपस्थित होते थे, तो वो ज़्यादातर समय जो 3 से 4 घंटे का समय होता था वो सम्मान समारोह में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में या खाने पीने में निकल जाता था। जो हमारा मेन उद्देश्य होता था, बच्चों को सम्मान करना या बच्चों से बात करना, या जो हम बुद्धिजीवी वर्ग बाहर से बुलाते थे उनके और बच्चों की कन्वर्सेशन कराने के लिए, वो समय पूरा नहीं हो पाता था। डॉक्टर इंदर सिंह राठौर हैं, अखिल भारतीय रवा राजपूत एकता सेवा समिति के जो संस्थापक हैं, उन्होंने हमें ये मार्गदर्शन किया, ये निर्देश किया कि आप जो हो गांव-गांव जाकर बच्चों से बात करो, उनके पेरेंट्स से बात करो। तो इसका एक लाभ तो ये होगा, मान लिया बच्चों में हेसिटेशन है, हिचकिचाहट, अभी उनका विजन क्लियर नहीं कि उन्हें करना क्या है, तो हमारा एक प्रयास ये है कि बच्चों का विजन क्लियर हो। पेरेंट्स की सहायता के लिए हम खड़े हैं, बच्चों की सहायता के लिए हम खड़े हैं, बच्चों को मेडिकल में इंटरेस्ट हो, आर्ट में इंटरेस्ट हो, वैज्ञानिक बनना हो, मेडिकल में इंटरेस्ट हो, कहीं भी उनकी रुचि हो, उनके अनुसार जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग ऊपर लगा हुआ है वो अपने समाज की सेवा करने के लिए पूरी तरह तत्पर है, बशर्ते उन्हें ये पता हो कि हमारे मार्गदर्शन की कहाँ ज़रूरत है। ये हमें पता कब लगेगा? जब हम गांव-गांव जाएंगे, एक एक बच्चे से बात करेंगे। और अभी भी जैसे आपने अब देखा कि कुछ बच्चे छूट गए हैं, तो अगर जो बच्चे छूट गए हैं वो मार्कशीट अगर हम अब भी प्रोवाइड करा दें, तो दूसरी जगह जो कार्यक्रम होगा हम उनकी मार्कशीट को वहाँ सम्मिलित कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा उद्देश्य है किसी बच्चे की मार्कशीट छोड़ना, हमें सबकी मार्कशीट लेनी है, हमें नीचे की इकाई तक पहुँचना, इतनी भी अगर आर्थिक मदद की ज़रूरत होगी तो उसका भी प्रयास करेंगे, बशर्ते बच्चा मेहनत करें और हमारी जो भी सहायता हम आधी रात उसके लिए तैयार। तो रवा राजपूत सभा के कोषाध्यक्ष हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। भूपेन जी, आपको कैसा लगा ये आइडिया जो अब नया प्रोसीजर निकाला है? देखिए, ठीक है, एक्चुअल में क्या रहता है, समाज में सभी तरह के कार्य होते रहते हैं। पहले हम लोगों ने सभा 1000 लोगों की गैदरिंग में प्रोग्राम किए हैं, वो भी एक अच्छी व्यवस्था थी, कोई खराबी नहीं थी, और आज भी हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं ये भी एक अच्छा है। समय और वक्त के अनुसार कुछ परिवर्तन करते रहने चाहिए, आगे देखेंगे, जो कार्यक्रम हमें अच्छा लगेगा वैसे हम आगे बढ़ेंगे। इस बार की हमारी जो सभा का निर्णय था वो यही था कि इस बार इस तरह से करते हैं कि अलग अलग हर क्षेत्र में जाके प्रोग्राम करते हैं। जो पुरस्कार देने का, ये कब से शुरू हुआ था? ये तो बहुत पहले से चल रहा है, बीच में कोरोना काल में इसको नहीं किया गया, अब फिर पुनः हमने 23-24 में इसको शुरू किया है। रवा राजपूत समाज के बच्चे हैं मेधावी, उनको सबको एक सम्मानित इसलिए किया करते हैं कि उनका उत्साहवर्धन करने की बात है, और वो आगे बच्चे हमारे एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, उत्साहित हों, ये हमारा सभा का उद्देश्य है। जैसे गांव-गांव का आपने प्रोसीजर निकाला, तो इसमें तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा? सभा के हमारे जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पूरा समय देने के लिए तैयार हैं। ये इससे अच्छा ये है कि हम हर बच्चे से सीधी वार्ता हमारी होगी, गार्जियन से हमारी सीधी बात होगी, और गांव-गांव जाएंगे, जो गांव में हमारे और जो और लोग हैं गांव के, उनसे हमारा सीधा संपर्क होगा। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ अध्यक्ष जी ने कही है, यहाँ अभिभावक भी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोसीजर अच्छा लगा। कहाँ से आए सर आप? मैं ग्राम पोंडरी खुर्द से आया हूँ, नवनीत कुमार राजपूत मेरा नाम है, और ये जो प्रोग्राम रवा राजपूत सभा ने किया है ये बहुत सराहनीय है, और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। तो पहले बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता था, अब छोटे स्तर पर, आपको कौन सा कार्यक्रम सही लग रहा है? छोटे स्तर पर करने से जो है हर बच्चे के बारे में जानकारी मिल गई, वो क्या बनना चाहता है, बड़े स्तर पर बच्चों से इस तरह की वार्तालाप नहीं हो पाती थी, इसलिए छोटे स्तर का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। जी।
से बात की, जो सभा के जो गणमान्य व्यक्ति उनसे बात की, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये इनसे बातचीत करते हैं। तो क्या नाम है बेटा आपका? गर्व गहलोत। अच्छा, तो गर्व ये बताइए, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपको पुरस्कृत किया गया, साथ में आपके पापा भी थे, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट है, लाइक फादर हैं उन्हें बहुत प्राउड हो रहा हो क्योंकि मुझे प्राइज मिल रहा है। जी, तो आगे क्या योजना है आपको, आपको क्या लगता है आगे भी आप इस सभा में इनाम लेना चाहते हैं? जरूर। क्या नाम है बेटा आपका? यशस्वी राज। अच्छा, तो आज आपको भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ गाइडेंस दी थी शेखर जी ने, तो आपको लगता है उससे आपको हेल्प मिलेगी? ऑफ कोर्स। यहाँ पर काफ़ी कुछ बताया गया, तो कुछ समझ में आया आपको? हाँ आया। तो आपको लगता है कि आप हेल्प लेंगे शेखर जी से? जी बिल्कुल। तो आपका? इशिका राजपूत। आप यहाँ पर आए थे, आपको पुरस्कार दिया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है बेटा आपका? अंजू राजपूत। अंजू राजपूत, आप बताइए आपका क्या नाम है? रिया राजपूत। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बच्चों का परिचय करा रहे हैं, जिन बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। क्या नाम बेटा आपका? निहारिका राजपूत। निहारिका, कहाँ से आए आप? बहादुरपुर। पर जो पुरस्कृत किया गया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है बेटा आपका? परनीत राजपूत। कहाँ से आए आप? बरकातपुर। बरकातपुर से। तो कौन सी क्लास में थे आप? क्या? टेंथ में। टेंथ में थे। तो आप चाहेंगे कि इंटर में आप फिर से यहाँ पर पुरस्कार लें? जरूर। तो कैसा लगा आपको, क्या लगा कि जब यहाँ पर पुरस्कार मिल रहा है, कैसी योजना है, कितना प्राउड फील करते हैं आप? अच्छा। अच्छा लगता है। तो देखिए बच्चे प्राउड फील करते हैं, और ये सारे बच्चे हैं, और बहुत ही अच्छी बात है, जब गैदरिंग बड़ी हुआ करती थी तो सब बच्चे एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, आज ये एक दूसरे को बच्चे देख रहे हैं, साथ में इनके मार्क्स भी बोले जाते हैं, तो आगे इन बच्चों में जो है कंपटीशन की भावना भी थोड़ी सी होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कि आज इनके इतने परसेंटेज बोले गए हैं, उसका नाम पहले आया, तो अगली बार हम और ज़्यादा परसेंटेज लाएँ। तो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे, और अलग अलग गांव में 5 क्षेत्रों में जो है बांटा गया है, सभी बच्चे वहां पर आएंगे, जो और क्षेत्रों के बच्चे रह गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर उनकी मार्कशीट किसी कारण से जुरानीपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर छूट गई है, तो वो तुरंत ही शेखर जी के पास जमा करा दें और अपना पुरस्कार जरूर लें। धन्यवाद। नमस्कार।